पांजी जो नई यहाँ पर फिल्म कर रहे हैं कश्मीर पे, मेरा तो कश्मीर सब्जेक्ट भी रहा है, कल भी मैंने प्रोग्राम अपने चैनल पे किया है, तो ये कश्मीर जो आप बता रहे हैं गुज्जर समाज के लिए बकरवाद, तो उसमें आपने सुनने में आया कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म किस तरह मतलब डायरेक्शन की गई है, और दूसरा कि आपका रोल एक जानदार है, मतलब पूरा आपके इधर के आसपास ही ये फिल्म घूम रही है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों। हाँ, ये बकरवाल कम्युनिटी की एक फैमिली है, एक तीन लोगों की जो जिसकी ये फिल्म है, जो सफर करते रहते हैं पूरा टाइम सर्दियों गर्मियों में भेड़ बकरियों के साथ, तो सफर के दौरान क्या क्या होता है रास्ते में, ये उसकी कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल या इसका मुद्दा या निचोड़ ये है कि छोटा बच्चा करीम मोहम्मद इतने सवाल पूछता है अपने बाप से, मुझसे इतने सवाल पूछता है, जो आईएसआईएस से लेकर मॉब लिंचिंग से लेकर और लश्कर तैयबे से लेकर और सीरिया की प्रॉब्लम से लेकर सबकी जड़ को पकड़ा है इन सवालों ने, और जड़ है जमीन या जिंदगी। जिंदगी को जिए जाना है, काटे जाना है, अरे चलता है, सब चलता है, चल रहे दो चलने दो, या नहीं ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ऐसा करना है, इस टाइप की है, इस तरीके की फिल्म। सर आप भोजपुरी फिल्मों में भी बहुत अच्छा रोल किया है। नहीं, भोजपुरी फिल्म मैंने नहीं की अभी, एक ही की मैंने देखी है, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। दूसरी कमर्शियल फिल्में भी आपने अच्छी हिट फिल्में की है जो रोल मिला है। अब सुनने में आया कि आप हरियाणा में कोई ऐसी बायोग्राफी या कुछ ऐसा हिस्टोरिकल फिल्म पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक रिक्वेस्ट है सर, लोग पहचानेंगे जरा आप। देखिए, अभी मैं पंडित लक्ष्मी चंद, एक बहुत बड़े फोक आर्टिस्ट थे हरियाणा के, उनकी बायोपिक कर रहा हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं उसकी रिसर्च कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, 2 पार्ट में कर रहा हूँ, अभी पार्ट 1 बनाऊंगा, फरवरी में शूटिंग है उसका। उत्तम सिंह जी हमारे दिल तो पागल है गदर जैसी फिल्मों का म्यूजिक देने वाले, चंद्रावल के फिल्म के अरेंजर, वो इसका म्यूजिक कर रहे हैं, रघुवीर यादव उसमें एक्ट कर रहे हैं, और बाकी सब हरियाणा के कलाकार होंगे। और 1 नवंबर को मैं कोशिश करूंगा कि रिलीज हो जाए अगले साल, क्योंकि फरवरी में शूटिंग होगी तो इतना टाइम लगेगा उसका प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में, बस यही है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर बालकृष्ण जी है, जिन्होंने नई फिल्म की है जो 24 तारीख को रिलीज हो रही है, करीम मोहम्मद। मैं उनसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ अपने चैनल की इंटरटेनमेंट के लिए। मैंने बोला था मैं अपने चैनल पे नई से नई हस्तियों को मिलाऊंगा, आज मैं मेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर श्री बालकृष्ण जी है, इन्होंने कई फिल्में की हैं, तो मैं इनसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बालकृष्ण जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ इस फिल्म के जो अभी आपका जो बेस्ट जो सॉन्ग है उसके 2-4 लफ्ज हमारी जो व्यूअरशिप है उनको बताइए। देखिए, हमारे लिए तो हमारे सारे गाने हमारे बेस्ट होते हैं, लेकिन आपने वो करी है तो जरूर आप उसका सुनाता हूँ आपको। रुके वक्त ना बकरवा, पुश्ते मौसम बदले चले चले चलते चले 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 चलते चले। बालकृष्ण जी, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें दूसरा कोई जो आपको अच्छा सॉन्ग लगता है उसका भी 1-2 लाइनें अगर गा सकते हैं। हमारे व्यूअर काफी सारे पूरे इंडिया में हैं, ज्यादातर हमारे श्रीनगर और कश्मीर में बहुत ज्यादा है, उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइनें गा। एक बहुत सुंदर गाना है तो उसका आंतरिक आपको एक शेर पढ़ता हूँ मैं। पाकीज़ा मिट्टी छुके लगता है ऐसे जैसे अब्बू ने मुझको छुआ है, भाई के जैसे हैं पेड़ चिनारों के, हमशीरा जैसी हवा है, वो सारो सब्जा बर्फीली वादी मेरे पीरों की दुआ। अरशे बरी से आया है, अरशे बरी से आया है, टॉफी के दाने लेके सपने सुहाने लेके फूलों का मौसम आया है।
अर्शे बरी से आया है। बालकृष्ण जी, एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो इस फिल्म में म्यूजिक दिया उसमें कश्मीरी जैसे संतूर है, उनके कई वाद्य यंत्र हैं, उनका भी आपने प्रयोग किया है? जी, मैं खुद पहाड़ का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीर को, हिमाचल को खुद ही जानता हूँ, हम इसमें पड़े हुए हैं इस म्यूजिक में। तो संतूर, पशोर, सरंगी, रबाब, घड़ा, कंजीरा, सब मैंने कोशिश करी है कि इस फिल्म में, इस फिल्म के गाने में, गानों में मैं यूज करूँ, और खूब किया मैंने। तो आप अगर जिस तरह ये फिल्में बना रहे हैं, उनको म्यूजिक दे रहे हैं, तो जो नए म्यूजिक सिंगर हैं उनके बारे में भी आप सोचते हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं कुछ? मैं वैसे तो बॉलीवुड के सभी सिंगर के साथ काम कर चुका हूँ, जो मुद्दू जी से लेके कैलाश खेर, सोनू, सबके साथ, लेकिन इस फिल्म में हमने दिल्ली के एक अच्छे सिंगर है कुमार विश्व, दिल्ली का टैलेंट है, पहली बार फिल्म में गाया, और एक ऐसा की एक लड़की है मंदाकिनी बोरा, जब मैंने जो अर्शे बरी गाया उसने गाया, बहुत सुंदर गाया। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो अच्छा गाता है उसको प्रूव करते हैं। धन्यवाद, मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, मेरा चैनल जरूर देखिए, साथ साथ मेरे बटन को दबाइए और अपना घंटी जरूर दबाइए, मैं आपको मिलता रहूँगा। धन्यवाद।